इन्फिनिक्स की तरफ से वायरलेस ईयरफोन्स का नया मॉडल अनाउंस कर दिया गया है। ये है इन्फिनिक्स के न्यूली लॉन्च्ड XC27 वायरलेस ईयरबड्स, और भाई इनको आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर टेस्ट करने वाले हैं। ये वाले ईयरफोन्स एक काफ़ी अमेजिंग फीचर के साथ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, ANC का फीचर आपको इन ईयरबड्स के अंदर मिलने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे, ये फुल रिव्यू भी होने वाला है। लेकिन पहले आपको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, इसका फर्स्ट लुक देख लेते हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स XC27 का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर इमर्सिव साउंड को मेंशन किया गया है, और यहाँ पर सबसे नीचे ANC को मेंशन किया गया है, जिसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि साउंड वाइज जो है वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने वाला है। बॉक्स की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ की स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं, जिसमें अगेन ANC को मेंशन किया गया है, 10mm के डीप बेस वाले ड्राइवर्स को मेंशन किया गया है, 4 माइक्रोफोन्स का यहाँ पर बताया गया है आपको, और 60 मिनट का प्ले टाइम बताया गया है 10 मिनट के चार्ज के अंदर। मज़ीद इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आगे चल के वीडियो के अंदर देखते हैं। साइडवेज ओपनिंग बॉक्स बनाया गया है और मैग्नेटिक फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाता है। अंदर रखे गए हैं ईयरबड्स, और ये होपफुली इसी के केस के अंदर ही होंगे। इनको एक दफ़ा साइड पे रखते हैं और मैं जल्दी से इसके बॉक्स कंटेंट्स को देख लेता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको मिल जाती हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कान का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है तो। एक आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है, और इसको आप यूज़ कर पाएंगे इनको चार्ज करने के लिए। और यही चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर, मज़ीद और कुछ भी नहीं मिलता। अभी आते हैं मेन ईयरफोन्स की तरफ। काफ़ी शाइनी लुक दी गई है बाय द वे, और इनको काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। This video is divided into 3 sections. In first section, we are going to talk about its build quality and its physical overview. And the second section is going to be about how to use and some main and important features of this device. And the third section is going to be more important. And in the third section, we are going to talk about its sound quality and my personal review about these earphones. So, bhai, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी build quality और इसके physical overview की। अगर यहाँ पे आप इस product के case को देखें तो इसको काफ़ी शाइनी लुक दी गई है, डीप ब्लू कलर है, और उसके साथ जो शाइनी लुक है ना, इसको काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही है अपीयरेंस के लिहाज से, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन भाई ये शाइनी कोटिंग थोड़ा बहुत आपको स्क्रैचेस का मसला ज़रूर देगी, इन फ्यूचर इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, बल्कि अभी भी मुझे कुछ स्क्रैचेस इस पर विजिबल मिल रहे हैं। लेकिन भाई प्रोडक्ट दिखने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसको जब आप होल्ड करते हो ना, तो इसका वेट नॉर्मल ईयरफोन्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, जिसकी वजह से आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ये फील होगा फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ईयरफोन्स की, तो भाई इनकी भी सेम क्वालिटी रखी गई है, यानी कि वेट थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट लुक के अंदर भाई क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। जब आप इनको अपने कानों में लगाएंगे तो ये फील नहीं होगा कि आपने कोई चीप सा, सस्ता सा, घटिया सा प्रोडक्ट लगाया है, बल्कि आपको थोड़ा बहुत ये वेट ऐड करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर भी शाइनी कोटिंग मिल जाती है, जो कि इस प्रोडक्ट को भाई एक काफ़ी प्रीमियम और गुड लुकिंग प्रोडक्ट बना देती है। इन ईयरफोन्स के अंदर आपको ANC यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है, जो कि ऑडियो के अंदर सराउंड के शोर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसको आगे चल के रिव्यू में मैं डिस्कस करता हूँ। इन ईयरफोन्स के अंदर आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोवाइड कर देंगे। इन ईयरफोन्स के अंदर भाई आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस मिल रही है, जिसकी वजह से आप इसको हल्की रेन के अंदर या पानी के स्प्लैशेस के अंदर थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और स्वेट के अंदर भी आप वर्कआउट करते टाइम बड़े आराम से बेफिक्र होकर इनको यूज़ कर सकते हो, और ये बिल्कुल भी ईजिली आपके कानों से गिरने नहीं वाले, यानी इनकी एयर फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस ईयरफोन के अंदर भाई आपको मिल रहा है पावर मैराथन का फीचर, यानी कि इनको आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करेंगे और 1 घंटे तक आप इनको यूज़ कर पाएंगे। और एक दफ़ा अगर आप इनको फुल चार्ज कर लेते हो तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको बड़े आराम से इन ईयरफोन्स के साथ म्यूज़िक का मिल सकता है, और कॉलिंग का भी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। उसके बाद इनके अंदर मल्टी फंक्शन टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, उन जेस्चर्स के ज़रिए आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर पाएंगे और इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। इन ईयरफोन्स के अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, कि इनको यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले जैसे ही आप इनको इनके केस से बाहर निकालेंगे, तो अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप इनको स्कैन करके कनेक्ट भी कर पाएंगे, और आपको दोनों ईयरबड्स का जो बैटरी का परसेंटेज है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इनको ANC मोड के ऊपर स्विच करना है, तो लेफ़्ट वाले ईयरबड के ऊपर 3 सेकंड
आपने अपनी फिंगर को रखना है और ये ऑटोमेटिकली आपको साउंड सुनाई देगा कि आपका जो ईयरबड है वो ANC मोड के ऊपर चला गया है, यानी ANC मोड ऑन, ANC मोड ऑफ। म्यूजिक को पॉज या प्ले करने के लिए किसी भी ईयरबड के ऊपर आपने 2 दफ़ा टैप करना है और नेक्स्ट सॉन्ग लगाने के लिए आपने राइट ईयरबड के ऊपर 3 दफ़ा टैप करना है, का सॉन्ग चेंज हो जाएगा। कुछ ये बेसिक्स है इसके फीचर्स से जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। ये जो ईयरफोन्स है ना गाइस, इनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और दिखने में भी इनका लुक काफ़ी बेहतर आता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन इनकी जो साउंड प्रोफाइल है वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, यानी कि इसके अंदर बेस काफ़ी नॉर्मल सी रखी गई है और इसकी ट्रिबल थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी। और अगर हम बात करते हैं एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की परफॉर्मेंस की, तो वो भी काफ़ी नॉर्मल सा ही परफॉर्म कर रही है। यानी आप इसको ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कोई एप्पल एयरपॉड्स के लेवल की मिल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। यानी आपको सराउंड का जो साउंड है वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से म्यूज़िक की फील थोड़ी बेहतर हो जाती है। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। इसकी प्राइस रखी गई है 4300 रुपीज़ और आप इसको इन्फिनिक्स के ऑफिशियल स्टोर Xpark से परचेज कर सकते हो और 21 सितंबर से इसकी जो सेल्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर पुराने हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताइएगा कि आप लोगों ने इतने दिन मुझे मिस किया या फिर नहीं किया, कंटेंट था नहीं और भाई बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई वीडियो बनाने का। वीडियो अच्छी लगी तो अगेन जो बातें की हैं उनको फॉलो कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह।